हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल यश एक्सपीरियंस। सो गाइज, कोविड के टाइम पे बहुत सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज बंद रहे, बहुत सारे बच्चे पढ़ नहीं पाए, बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस चलती रहीं, मगर किसी का कहना था सर समझ में नहीं आता और पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे हैं। तो कुछ मेरे जूनियर्स ने मुझसे रिक्वेस्ट करी कि सर आप कुछ ना कुछ सब्जेक्ट पढ़ाना चालू कर दीजिए। अब मैं हर एक को पर्टिकुलर तो पढ़ा नहीं सकता, ना ही कोई कोचिंग खोल सकता हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वीडियो बना के अपलोड करता हूँ। तो बेसिक से मैंने चालू किया, सेकेंड ईयर में हम लोग महेश्वरी पढ़ते हैं ऑर्थोपेडिक्स की, तो मैं एक एक चैप्टर पढ़ूंगा और आपको यहाँ पे वीडियो पे एक्सप्लेन करूंगा, डायग्राम भी शो करूंगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो हम लोग का आज पहला चैप्टर अपन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला चैप्टर जो है हमारा फ्रैक्चर से रिलेटेड है, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। जो भी मैं अपनी वीडियो में बोलूंगा, आप चाहें तो मेरी वीडियो को पूरा सुनने के बाद आप चाहे वो पूरा चैप्टर पढ़ के देख सकते हैं। मैं जो भी सारी चीजें बोलूंगा हर एक चीज मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो बहुत छोटी होगी मगर आप इसे सुन लेंगे तो आपका चैप्टर अपने आप ही कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइज, जब कभी भी कोई भी एक्सीडेंट होता है या इंजरी होती है तो उसमें हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम या न्यूरोवैस्कुलर सिस्टम कहीं ना कहीं से हमारा डैमेज हो सकता है और उसके बाद ही फिर हमारी सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं। तो उसी का मैनेजमेंट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को फिजियोथेरेपी में सिखाई जाती हैं। सो सबसे पहले हम चालू करते हैं आज क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्चर्स। सो गाइस, फ्रैक्चर को डिनोट कैसे करते हैं? फ्रैक्चर को हैशटैग जो हम लगाते हैं उससे हम डिनोट करते हैं। और जो फ्रैक्चर होता है असल में इसको डेफिनेशन ये रहती है कि अगर बोन की कंटिन्यूटी में कहीं पे भी ब्रेक आ जाता है तो हम उसे फ्रैक्चर बोलते हैं। और इसी फ्रैक्चर में हम लोगों के टाइप्स होते हैं अलग अलग तरीके के, जो कि इटियोलॉजी के बेसिस पे हो सकता है या उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में उसका कैसा कॉन्टैक्ट उसके ऊपर हो सकता है या बोन डिस्प्लेस हुई है या नहीं हुई है उसके बेसिस पे हो सकता है। सो गाइस, सबसे पहले इटियोलॉजी के बेसिस पे हम लोग फ्रैक्चर देखते हैं। असल में इटियोलॉजी के बेसिस पे हम देखें तो तीन तरीके के फ्रैक्चर्स होते हैं, ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर एंड स्ट्रेस फ्रैक्चर। तो सबसे पहले ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर के बारे में बात करते हैं। ट्रॉमा असल में कोई भी एक्सीडेंट या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हम लोग आजकल जो भी देखते हैं उसमें होने वाले एक्सीडेंट्स को हम ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर बोलते हैं, यानी कि ट्रॉमा से होने वाले फ्रैक्चर्स। हमारी बोन्स जो होती हैं वो एक पर्टिकुलर स्ट्रेस को ही झेल सकती हैं और अगर उससे ज्यादा वो स्ट्रेस हो जाता है तो फिर बोन्स फ्रैक्चर हो जाती हैं, इसे हम ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर बोलते हैं। दूसरा आता है गाइस पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर जैसे कि वर्ड से ही डिनोट हो रहा है, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर डिनोट्स कि कोई ना कोई पैथोलॉजी है इसके अंडरलाइन जिसकी वजह से फ्रैक्चर हुआ है। गाइस, बहुत सारी जगह पर पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स का एक कॉज मेटास्टेसिस भी बताया जाता है, जैसे कि कहीं पे कैंसर हो गया है वो ग्रोथ करता जा रहा है और बोन के ऊपर स्ट्रेस डालता जा रहा है और फिर बाद में फ्रैक्चर हो जाता है। जो ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर्स होते हैं उनका यूजुअली आउटकम हमको दिखता है सामने और हम उनको इजीली मैनेज कर पाते हैं, मगर जो हमारे पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स होते हैं इनको मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है। फिर गाइज, एट लास्ट जो हमारा फ्रैक्चर है वो है स्ट्रेस फ्रैक्चर। तो स्ट्रेस फ्रैक्चर असल में स्ट्रेस कंटिन्यू लगता रहता है किसी बोन में तो बोन का जो ट्रैबिक्यूलर सिस्टम होता है वो ब्रेक हो जाता है जिसकी वजह से स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है। अगर यूजुअली कभी कभी ऐसा होता है कि हम स्ट्रेस फ्रैक्चर के बाद हमको पेन तो होता रहता है बट अगर हम लोग एक्सरे करवाते हैं तो उसमें हमें कहीं पे भी फ्रैक्चर डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं कि फ्रैक्चर हुआ है कि नहीं हुआ है, मगर क्योंकि बोन ट्रैबिक्यूलर सिस्टम अंदर से ब्रेक हो जाता है इसलिए कंसिस्टेंट पेन जरूर हम लोग को देखने को मिलता है। इसके बाद हम गाइस देखते हैं तो फिर हमको पता चलता है कि फ्रैक्चर का दूसरा टाइप होता है डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पे। तो डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पे पहला तो अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर्स होता है, यानी कि कोई फ्रैक्चर हुआ तो मगर वो अपनी पोजीशन पे है वहां से डिस्प्लेस नहीं हुआ है तो उसको हम अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर बोलते हैं। और गाइस दूसरा होता है डिस्प्लेस फ्रैक्चर। डिस्प्लेस फ्रैक्चर वर्ड से आपको समझ में आ रहा है कि वो डिस्प्लेस हो जाता है उसकी जगह से। अब डिस्प्लेस होने के रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि फ्रैक्चर के ऊपर लगने वाली जो फोर्स है उसकी वजह से हो सकता है डिस्प्लेस हो गया हो, या फ्रैक्चर के जो बोनी फ्रैगमेंट्स हैं उस पे जो मसल पुल होता है, कोई मसल अपनी तरफ पुल करना चाहती है तो वो मसल एक बोनी पार्ट को अपनी तरफ पुल कर लेगी तो फ्रैक्चर डिस्प्लेस हो सकता है। और तीसरा कि ग्रेविटी की वजह से हो सकता है कि जैसे कि लोअर लिम में कोई इंजरी हुई और ग्रेविटी लग रही है या अपर लिम में कोई इंजरी हुई है फ्रैक्चर हुआ है और ग्रेविटी की वजह से वो डिस्प्लेस हो गया है। और डिस्प्लेस फ्रैक्चर में ही फिर अलग तरीके से इसको कन्वेंशनली बताने के लिए तीन तरीके की चीजें हम लोग मानते हैं नॉर्मली, जैसे कि पहला होता है शिफ्ट, यानी कि फ्रैक्चर हुआ है और हल्का सा शिफ्ट हो गया है एक जगह से दूसरी जगह पे। दूसरा की एंगुलेशन, यानी कि फ्रैक्चर एक जगह से दूसरी जगह पे किसी एंगल पे आके एंगुलेट हो गया है। और तीसरा होता है गाइस रोटेशन, यानी कि कोई भी बोन एक जगह से दूसरी जगह पे मतलब बीच में से फ्रैक्चर तो हुई है और कहीं किसी जगह पे रोटेट हो गई है तो फिर हम उसको रोटेशन फ्रैक्चर बोलते हैं। तो गाइस ये डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर के तीन तरीके के टाइप्स होते हैं।
सो गाइज फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा टाइप होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से हमारी बोन अगर फ्रैक्चर हुई है तो उसका कैसा रिलेशनशिप है। तो पहला आता है क्लोज फ्रैक्चर, यानी कि फ्रैक्चर तो हुआ है मगर वो किसी भी तरीके से एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्ट में नहीं आया है, जिसकी वजह से ओवरलाइन जो उसके आसपास के टिश्यूज होते हैं वो भी इंटैक्ट रहते हैं और आसपास की कोई भी चीज डिस्प्लेस में नहीं होती है, तो इसे हम क्लोज फ्रैक्चर बोलते हैं। फिर गाइज दूसरा होता है ओपन फ्रैक्चर। ओपन फ्रैक्चर में होता यह है कि बोन्स जैसे ही फ्रैक्चर होती है, बोन फ्रैक्चर होने के बाद जो आसपास की ओवरलाइंग टिश्यूज होते हैं या सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, जो बोनी फ्रेगमेंट होते हैं वो उसको पियर्स करके बाहर आ जाते हैं। तो ये भी हो सकता है कि वो थोड़ा सा बाहर आए या फिर वो स्किन को भी पियर्स करके बाहर आ जाए। इसी की वजह से हम इसको दो तरीके के पार्ट में डिवाइड करते हैं, इंटरनली ओपन एंड एक्सटर्नली ओपन। तो इंटरनली ओपन फ्रैक्चर में गाइस क्या होता है कि इंटरनली ओपन में हमारी जो स्किन होती है वो रप्चर नहीं होती है, मगर आसपास के सॉफ्ट टिश्यूज और मसल्स हो सकते हैं कि पियर्स करके उसको बाहर से वो ओपन कर रहा हो, इसलिए ये इंटरनली ओपन कहलाता है। और गाइस एक्सटर्नली ओपन फ्रैक्चर में क्या होता है कि जो स्किन भी होती है ना वो भी पियर्स करके बोन हमारी जो होती है वो स्किन के बाहर आ जाती है, तो इतना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है। तो गाइज एक्सटर्नली ओपन फ्रैक्चर में क्या होता है, क्योंकि स्किन रप्चर करके बोन बाहर आ गई है तो इसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए ये डिफिकल्ट होता है मैनेज करने के लिए भी और इसमें इन्फेक्शन के चांसेस भी होते हैं। फिर गाइज नेक्स्ट टाइप आता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रीटमेंट के बेसिस पे। तो गाइज इसमें दो तरीके के टाइप होते हैं, सिंपल फ्रैक्चर और कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर। सिंपल फ्रैक्चर वो फ्रैक्चर्स होते हैं जिसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं होती है, यानी कि जैसे ये मान लीजिए ह्यूमरस में फ्रैक्चर हो गया तो वो फ्रैक्चर तो हुआ है मगर बोन इंटैक्ट है, बोन कहीं भी डिस्प्लेस नहीं हुई है, तो इनको मैनेज करना बहुत ईजी होता है, इसलिए इनको सिंपल फ्रैक्चर्स बोलते हैं। दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर में गाइज क्या होता है कि जैसी बोन टूटती है तो मल्टीपल पार्ट्स में टूट सकती है या डिस्प्लेस हो सकती है, जिसकी वजह से इनका मैनेजमेंट डिफिकल्ट हो जाता है, इनका ट्रीटमेंट डिफिकल्ट होता है, इसलिए इनको कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर बोला जाता है। फिर गाइस हमारा नेक्स्ट टाइप होता है ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम ऑफ फोर्स कॉजिंग फ्रैक्चर। इसके अंदर गाइस हाई वेलोसिटी फ्रैक्चर्स एंड लो वेलोसिटी फ्रैक्चर्स होते हैं। सो हाई वेलोसिटी फ्रैक्चर गाइस जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है आपको, हाई वेलोसिटी फ्रैक्चर्स वो फ्रैक्चर्स होते हैं जो किसी भी हाई वेलोसिटी की ट्रॉमा की वजह से होते हैं, जैसे कि नॉर्मली रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में होते हैं। इसके अंदर सॉफ्ट टिश्यूज में पेरिओस्टियम एंड मसल इंजरी देखने को हम लोग को मिलती है, उसके बाद साथ साथ में इसमें एक्सटेंसिव डीवैस्कुलराइजेशन भी देखने को मिलता है फ्रैक्चर एंड्स पे, जिसकी वजह से ये जो फ्रैक्चर होता है ये अनस्टेबल होता है और स्लो होता है हील होने में। गैस उसके बाद होता है लो वेलोसिटी इंजरी, यानी कि लो वेलोसिटी इंजरी यानी स्लो वेलोसिटी पे या किसी भी स्पीड पे कोई भी इंजरी होना, जैसे कि नॉर्मली गिर जाना। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि किसी की बोन्स इतनी स्टेबल नहीं हो, तो कोई साइकिल मान लीजिए वहां से चल के गई हो और उसके पैर पे चढ़ जाए तो उसे फ्रैक्चर हो सकता है, वरना लो वेलोसिटी इंजरीज में नॉर्मली ऐसा फ्रैक्चर देखने को नहीं मिलता है। गाइज जो लो वेलोसिटी इंजरी के फ्रैक्चर्स होते हैं वो बहुत इजीली प्रेडिक्टेबल होते हैं और उनका हील अप भी बहुत इजीली हो जाता है। गाइज एंड एट लास्ट ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न। सो पैटर्न के बेसिस पे भी फ्रैक्चर्स को डिवाइडेड किया गया है, जैसे कि सबसे पहला होता है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर में क्या होता है, कोई भी बोन जब टूटती है तो बीच में से उसका फ्रैक्चर हम लोग को देखने को मिलता है, तो वो बीच में से क्योंकि टूटा हुआ रहता है इसलिए हम उसे ट्रांसवर्स फ्रैक्चर बोलते हैं। दूसरा होता है गाइज ओब्लिक फ्रैक्चर। ओब्लिक फ्रैक्चर में क्या होता है कि बोन टूटती तो है मगर किसी ऑब्लिक जैसे हम लोग लाइन बनाते हैं उस तरीके से टूटती है। तीसरा होता है गाइस स्पाइरल फ्रैक्चर। स्पाइरल फ्रैक्चर में गाइस क्या होता है कि जैसे बोन जो रहती है वो स्पाइरली फ्रैक्चर होती है, तो आपको उसके फोटो में देख के समझ में आएगा, अगर आप बुक में देखेंगे या आप कभी एक्सरे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आगे या पीछे से दो तरीके से एक्सरे लिया हुआ हो तो ऊपर से ऐसे स्पाइरल की तरह फ्रैक्चर हम लोग को देखने को मिलता है। उसके बाद चौथा होता है गाइस कम्युनिटी फ्रैक्चर। तो उसमें क्या होता है कि एक से ज्यादा सेगमेंट्स में ना बोन टूट जाती है, जिसकी वजह से उसका ट्रीटमेंट थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ज्यादा बोनी फ्रैगमेंट्स होते हैं तो फिर उन सभी को एक के साथ जोड़ना, फिक्स करना और उसके बाद उसको हील अप होने के लिए टाइम देना, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। और फिर पांचवा होता है गाइस सेगमेंटल फ्रैक्चर। सेगमेंटल फ्रैक्चर इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक से ज्यादा सेगमेंट में टूट जाता है, यानी मान लीजिए कि कोई लंबी सी बोन है तो वो एक तरफ से यहां से भी फ्रैक्चर हो गया उसका और फिर जो बीच का पार्ट है उसके बाद वो यहां से भी फ्रैक्चर हो गया, तो हम उसको सेगमेंटल फ्रैक्चर्स बोलते हैं। इसके अलावा गाइस बहुत छोटे छोटे से फ्रैक्चर्स होते हैं जिसका मैं जनरली नाम बता देता हूं, और बहुत कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्चर्स होते हैं, बाकी उसके अलावा सारे फ्रैक्चर्स के नाम याद रखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी।
सो गाइज, जैसे मैंने आपको बताया, कुछ जनरल ऐसे फ्रैक्चर्स होते हैं जो उनके नाम के साथ ही फेमस हैं, जैसे कि नाइट स्टिक फ्रैक्चर। नाइट स्टिक फ्रैक्चर इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर रात में मान लीजिए कोई चोर आ जाता है और आप उसके ऊपर किसी स्टिक से हमला करते हैं तो वो अपनी सेफ्टी में अपना हाथ आगे कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसके अल्ना की शेफ्ट पे आप उसे मारते हैं और अल्ना का फ्रैक्चर हो जाता है, इसीलिए इसको नाइट स्टिक फ्रैक्चर बोलते हैं। गाइज, दूसरा होता है कोलिस फ्रैक्चर, जिसमें डिस्टल एंड ऑफ रेडियस जो हमारी होती है वो ब्रेकआउट हो जाती है, इसकी वजह से इसको कोलिस फ्रैक्चर बोलते हैं। फिर गाइज, एक फ्रैक्चर होता है बॉक्सर्स फ्रैक्चर। बॉक्सर्स क्या करते हैं, एक दूसरे को जब पंच करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो फिफ्थ मेटाकार्पल होती है हमारी, उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट हो जाता है और बोन फ्रैक्चर हो जाती है, जिसकी वजह से हम उसे बॉक्सर्स फ्रैक्चर बोलते हैं। फिर गाइज, एक फ्रैक्चर होता है साइड स्वाइप फ्रैक्चर, जो हम लोगों को कार्स में देखने को मिलता है। कभी कभी होता है कि हम कार की विंडो पे ऐसे हाथ बाहर रख लेते हैं और मान लीजिए कि सामने से कोई कार निकल के आई और उसने आपके यहां पर एल्बो में हिट किया, तो गाइज मल्टीपल बोन्स का फ्रैक्चर होता है, जिसमें हमारी ह्यूमरस का डिस्टल एंड चला जाता है और प्रॉक्सिमल एंड ऑफ रेडियस एंड अल्ना भी फ्रैक्चर होते हैं। इसको हम गाइज बेबी कार फ्रैक्चर भी बोलते हैं, क्योंकि बच्चों की यूजली आदत होती है कि वो विंडोज पे इस तरीके से बाहर हाथ रख लेते हैं और सामने से आती हुई कोई कार अगर आपको हिट करके चली जाएगी तो मल्टीपल बोन्स के फ्रैक्चर आपको देखने को मिलते हैं। फिर गाइस, कुछ इंजुरीज होती हैं जैसे कि व्हिप्लैश इंजुरी। कभी कभी कार में ऐसा होता है कि कार एक्सीडेंट में हम यूजली जैसे ही कार किसी भी जगह को ऑब्जेक्ट को बहुत हाई स्पीड पे हिट करती है तो हमारी नेक जो रहती है वो सडनली हाइपर फ्लेक्शन में जाती है और उसके बाद सडनली हाइपर एक्सटेंशन में चली जाती है, जिसकी वजह से सर्वाइकल बोन्स में इंजुरी हो सकती है, इसलिए इसको व्हिप्लैश इंजुरी बोलते हैं। फिर गाइस, एक फ्रैक्चर होता है मार्च फ्रैक्चर। मार्च फ्रैक्चर असल में सेकंड और थर्ड मेटाटार्सल का फ्रैक्चर होता है। जो लोग ज्यादातर मार्च करते हैं उन लोगों के, क्योंकि वो हील्स से सबसे ज्यादा मार्च करने की कोशिश करते हैं और उनका जो बोन्स रहती हैं वो उस स्ट्रेस को झेलती जाती हैं, एब्जॉर्ब करती जाती हैं, जिसकी वजह से ये फ्रैक्चर देखने को मिलता है, इसलिए इसको मार्च फ्रैक्चर बोलते हैं। सो गाइज, इसके अलावा भी कुछ और फ्रैक्चर्स हैं, अगर आप इनको याद कर पाए या याद रख पाए तो अच्छी बात है। आप इनको एक बार गो थ्रू करके देखिए, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।